आपका नाम? मनोज कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं बिंद्रावन पंचायत के बिराजगढ़ के साथ रहता हूँ मैं, और मेरा सन 2017 में एक्सीडेंट की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा पैर कट चुका है। तो मैं सात सदस्यों को पालने वाला अकेला ही था, तो इसलिए आज ऐसा है कि आज मेरे पापा भी बहुत बीमार है, जिनको आज पालमपुर से टांडा रेफर कर किया हुआ था। तो टांडा वाले ने बोला कि इनको पीजे, उन्होंने ये जवाब दिया कि इनको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। तो मेरे पास मैम इतने मैं गरीब हूँ कि मैं अपने पापा का इलाज नहीं करवा सकती, तो मैं मैम ये कमाने के लिए असमर्थ हूँ। तो मेरे अभी देखो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि मेरी सहायता की जाए। क्या हुआ, क्या है मैम? इनको इनके सर में चोट लगने की वजह से मैम इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो उनकी वजह से डॉक्टर ने ना इनका सिर में थोड़ा ब्लड जमा हो गया था, तो इसलिए उनकी वजह से इसको इनका शरीर काम करना बंद हो गया। तो डॉक्टर ने चंडीगढ़ के लिए रेफर किया था कि इनका सर का ऑपरेशन किया जाएगा। तो मेरे पास मैम इतना नहीं हूँ मैं कि कमाने वाला नहीं अभी कि मैं इनका इलाज करा सकूँ। ये कुछ खा पी रहे हैं मैम? ये कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ये ना पहले एक दिन पहले खाते भी, तो अब ये ना खा पी रहे हैं ना, और ना ये बोल सकते हैं, तो ये अभी बेड पे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं पापा का हमारी सहायता की जाए। मेरा पैर कट चुका है, कि मेरा भी ट्रीटमेंट चला हुआ है टांडा में, मेरा पैर कट चुका है, तो अभी तक रोड़े पड़ी हुई हैं अंदर, पिन्ने पड़ी हुई हैं, तो मैं अभी कमा नहीं सकता हूँ, कोई बाहर नहीं जा सकता हूँ। डॉक्टर ने मना किया हुआ है, 21 तारीख को मेरा भी ऑपरेशन होगा टांडा में। कितने सदस्य हैं आप? हम 7 सदस्य। इनका पालन पोषण कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल से हो रहा है इनका पालन पोषण, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। लोग कभी लोग दे जाते हैं कुछ खाने के लिए, कोई दे जाता है, इसलिए हमारा घर ऐसे चल रहा है। मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारी सहायता की जाए, अगर कोई भी हमारी सहायता करना चाहता है। तो ये मेरे मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर आप लिखिए, 86280-3033। नहीं, ये जो मामला है बहुत ही गंभीर और दुखदायी मामला है। संतोष कुमार जी बहुत ही हसमुख किस्म के व्यक्ति थे, देहरुबीये का काम करते थे, लेकिन कुछ समय से 1.5-2 महीने से गिरने की वजह से इनके जो दिमाग में चोट आई, उसकी वजह से ये काफ़ी बीमार हो गए, इनका चलना फिरना भी बंद हो गया, और पालमपुर हॉस्पिटल में भी इनकी ट्रीटमेंट हुई, हफ्ता 10 दिन एडमिट रहे, उसके बाद इनको टांडा रेफर कर दिया गया। टांडा वालों ने भी इलाज करने की असमर्थता जताई और इन्हें शिमला या चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इस परिवार की कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब है, कमाने वाला कोई नहीं है। इनका जो बेटा, एक ही बेटा है मनोज कुमार, वो भी उसका भी थोड़ा पैर कटा हुआ है नीचे से, ये भी घर में ही रहता है, बेरोजगार लड़का है ये, और तीन चार इसके बच्चे हैं। तो मेरी पालमपुर वासियों से निवेदन है, इस परिवार की थोड़ी बहुत जो भी आपकी आपके
जो भी आपसे इस परिवार की मदद की जाए उसके लिए मैं इनसे पालनपुर ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार की कुछ ना कुछ मदद जरूर की जाए। सहायता की गई? हाँ, पंचायत तो इनके साथ ही है, पंचायत इनके लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन पंचायत के पास कोई ऐसा फंड नहीं होता जो इनकी जो मदद की जाए। फिर भी मैं आज इस लड़के को एसडीएम साहब के पास ले गया था, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि कुछ ना कुछ इस परिवार के बारे में करेंगे। उन्होंने एक कुछ कागज जो भी रह गए थे वो कागज इकट्ठा करके दोबारा फिर हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसडीएम साहब जो है कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता जो है वो इस परिवार की के लिए मदद कर सकता है। मेरी पालमपुर के अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश के निवासियों से भी निवेदन है कि इस परिवार की जितनी भी हो सके मदद की जाए। अगर कोई मदद करने के लिए का इच्छुक हो तो मेरे नंबर पे या इन्हीं के नंबर पे संपर्क कर सकता है। नंबर 9816297635।